आईपीएल 2022 में लगभग सभी टीमें 9 से 10 मैच खेल चुकी है और इन मैचों के खत्म होने के बाद पॉइंट टेबल के समीकरण में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे, यानी कि कौन सी टीम पॉइंट टेबल में कौन से पोजीशन पर है और यहाँ पर से प्ले ऑफ में जाने के लिए आपकी फेवरेट टीम को कितना मैच जीतना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के पिछले मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को हराया था और इस मैच के बाद पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पर है मुंबई, जिनके 9 मैच में 2 पॉइंट है और ये टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद 9वें पोजीशन पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके 9 मैच में 6 पॉइंट है और इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए सभी मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद 8वें पोजीशन पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके 10 मैच में 8 पॉइंट है और इस टीम को भी प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए सभी मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद 7वें पोजीशन पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिनके 9 मैच में 8 पॉइंट है और दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए 5 में से 4 मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद 6वें पोजीशन पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिनके 10 मैच में 10 पॉइंट है और आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 4 में से 3 मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद 5वें पोजीशन पर है पंजाब और पंजाब को भी प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 4 में से 3 मैच जीतना पड़ेगा, जहां पर पंजाब के पास 10 मैच में 10 पॉइंट है। इसके बाद 4थे पोजीशन पर हैदराबाद, जिनके 9 मैच में 10 पॉइंट है और इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए 3 मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है राजस्थान, जिनके 10 मैच में 12 पॉइंट है और इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए 4 में से 2 मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है लखनऊ, जो कि 10 में से 7 मैच जीत करके 14 अंक बना चुकी है और इस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। वहीं पॉइंट टेबल टॉपर है गुजरात, जो कि 10 मैच में 16 अंक बना चुकी है और ये टीम प्लेऑफ में जा चुकी है।